एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज भी सबसे ज्यादा चहेती है। रेखा को आज भी सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर एक्ट्रेस की गिनती में शुमार होते देखा गया है। 64 साल की उम्र में भी रेखा अपने लाजवाब ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती है। हमेशा ही खूबसूरत साड़ी कैरी करने वाली रेखा को जब मांग में सिंदूर लगाकर, गले में नेकलेस से लेकर चूड़ी और खूबसूरत इयररिंग में देखा जाता है, लाल लिपस्टिक कैरी किए देखा जाता है, तो रेखा के बारे में चर्चा होती है। आखिर किनके नाम का सिंदूर रेखा के मांग में अब भी है? अब इसे लेकर नाम तो कभी अमिताभ बच्चन तो कभी संजय दत्त का जुड़ता रहा है। आज हम आपको बताएंगे अमिताभ और संजय दत्त तो नहीं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिनके साथ रेखा की अफेयर की खूब खबरें आई थी, और वो है 80 के दशक में रेखा के साथ काम कर चुके बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र। जितेंद्र और रेखा ने एक फिल्म में साथ काम किया, दोनों पति पत्नी बने। फिल्म में यानी काम करने के लिए, पैसों के लिए इन दोनों ने ऑन स्क्रीन शादी भी कर ली थी, यानी कि सदा सुहागन फिल्म की हम बात कर रहे हैं जो टॉप मोस्ट फिल्मों में से एक रही है 80 के दशक की। इस फिल्म में इनके अलावा गोविंदा भी नजर आए। राजशेखर के किरदार में जितेंद्र थे, लक्ष्मी के किरदार में रेखा थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। फिल्म में दोनों के दो बेटे और एक बेटी होती है। बेटों से काफी परेशान ये दोनों नजर आते हैं। फिल्म में इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांस से भरी होती है। ऐसे में फिल्मों की बदौलत ही रेखा को जितेंद्र का प्यार मिला था और जितेंद्र के साथ अच्छी खासी इनकी बॉन्डिंग भी रही। ये बात अलग है कि जितेंद्र और रेखा की जो जबरदस्त बॉन्डिंग थी, उन्हें अफेयर का नाम भी दिया गया। यही कारण है कि जितेंद्र की ऑन स्क्रीन शादी को रेखा की जिंदगी में खास माना गया, और तब से लेकर अब तक रेखा जितेंद्र से काफी दूरी बनाती भी है। कई बार उन्हें जितेंद्र से दूर बनाते देखा गया है। यही कारण है कि कहा जाता है कि उन्हीं के नाम का सिंदूर रेखा की मांग में हो सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से कृतिक रिपोर्ट।